महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए चल रही सेफ सिटी परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण 8 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के लिए अनुमोदित 194 करोड़ में 60% अनुदान केंद्र व 40% अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए लखनऊ समेत देश के 8 महानगरों में सेफ सिटी परियोजना शुरू की गई है। सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुरक्षा के लिए 100 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। इनमें से 70 पिंक बूथ बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों को 100 टू व्हील पिंक पेट्रोल व 10 फोर व्हीलर पिंक पेट्रोल दिए गए हैं, जिनसे वे लगातार स्कूल, कॉलेज व बाजारों में गश्त कर रही है। महिलाओं की सुविधाओं के लिए शहर के 74 स्थानों पर विशेष सुविधा युक्त पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 18 पिंक टॉयलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर के डार्क स्पॉट को चिन्हित कर वहां पर प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। अब तक 3,625 डार्क स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 660 पर प्रकाश की व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि 2,965 स्थानों पर मार्च के अंत तक लाइट लगा दी जाएगी। इससे रात में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगेगा। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत संचालित वीमेन पावर लाइन 1090 भी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। बेहतर परिणाम मिलने के बाद वीमेन पावर लाइन की क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए यूपी 112 से इंटीग्रेशन साइबर फॉरेंसिक सुविधा डाटा एनालिटिक केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। हॉटस्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। सिटी बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस लगाने का काम भी दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। लखनऊ सेफ सिटी परियोजना की तरह ही प्रदेश के अन्य 12 जिले गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, मुरादाबाद व सहारनपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना लागू किए जाने के लिए संबंधित मंडलों के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक अधिकारिता समिति का गठन किया जाएगा।